हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया एकदम से बदली है। एक और जहां साल भर में दुनिया के अलग अलग कोनों में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही, ग्लोबल वार्मिंग चरम की ओर है और समुद्र का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस जैसी चीजें फैलाकर जैविक युद्ध लड़े जा रहे हैं और लगभग हर बड़े देश के पास परमाणु हथियार तैयार हैं, जिनके इस्तेमाल से दुनिया की शक्लो सूरत पूरी तरह से बदल सकती है। कुल मिलाकर बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं और ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी हुई है और वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है और किसी भी समय इस धरती का अंत हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूँ वर्षा श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के अंत की। कल्पना कीजिए, अगर सभी देश परमाणु युद्ध पर उतर जाए या जैविक युद्ध के नाम पर रोज रोज नए जानलेवा वायरस की खोज करके उन्हें फैलाने लगे तो क्या ऐसे में इंसानी नस्ल इस विनाश से बच पाएगी? शायद नहीं। और अगर कुछ इंसान बच भी गए तो वो कैसे जिएंगे, कैसे उनका गुजारा होगा? इन सभी सवालों का जवाब हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने डूम्स डे की थ्योरी दी थी। इसके बाद डूम्स डे क्लॉक, डूम्स डे वॉल्ट पर तेजी से काम हुआ। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि दुनिया कब खत्म होगी और होगी भी कि नहीं, लेकिन इस रोचक विषय को लेकर नासा का शोध जरूर जारी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा के द्वारा शुरू किया गया एक नया मिशन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है और वो सवाल ये है कि आखिर इस धरती का अंत कब होगा। नासा का ये शोध शुक्र ग्रह से जुड़ा है, ऐसे में माना जा रहा है कि वैज्ञानिक सही तरीके से परिभाषित करने में लगे हुए हैं कि इस धरती का अंत कैसे होगा। साइंस फोकस के रिपोर्ट के मुताबिक एक थ्योरी ये है कि शुक्र भी कभी पृथ्वी की तरह था। इस वक्त के सबसे गर्म ग्रह शुक्र में महासागर और धरती की तरह सतह पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट भी होंगी, जिसका वातावरण घने ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बना होगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि हो सकता है अरबों साल पहले इस ग्रह पर जीवन मौजूद रहा हो। विशेषज्ञों की माने तो शुक्र का ड्यूटेरियम हाइड्रोजन रेशियो धरती की तुलना में 100 गुना ज्यादा है। इसके पीछे की वजह यह भी है कि शुक्र ग्रह पर पहले बहुत पानी रहा होगा जो अब गायब हो चुका है। शुक्र ग्रह से जुड़ी ऐसी कई गुत्थियां को सुलझाने के लिए नासा कुछ साल बाद 2028 से 2030 के बीच अपना डेवेंसी प्लस वेरिटास प्रोब्स रवाना करेगा। डेवेंसी प्लस मिशन पर जाने वाले ये यान शुक्र ग्रह की सतह पर जाके इसके ड्यूटेरियम हाइड्रोजन अनुपात को फिर से मापेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सन 1970 और 1980 के दशक में हासिल हुए इसी रेशियो के नतीजों को 100% सटीक नहीं माना जाता है, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। शुक्र के संबंध में एक सिद्धांत ये भी कहता है कि शुक्र पर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से वातावरण में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई जो एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का कारण बनी। आने वाले दिनों में नासा हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें और रडार डेटा भी एकत्रित करेगी ताकि हमें शुक्र की सतह के बारे में एक सटीक जानकारी मिल सके और इसकी सतह और वातावरण की तुलना पृथ्वी से की जा सके। शुक्र और पृथ्वी के गुणों की तुलना करने पर ही वैज्ञानिक धरती के उम्र और इसके अंत का लगभग सटीक अंदाजा लगा पाने में सफल होंगे। तो अब देखना होगा कि नासा का ये मिशन कितना सफल होता है और इस मिशन से क्या जानकारी हासिल हो पाती है।